Hello, environmental lovers. I am Om Kumar. Today I will discuss on the mass extinction on Earth history. Our knowledge of past extinction is clouded by times, but major extinction event involved the loss of large percentage of all living creatures are clearly marked in fossil records. By using the fossil records, we can track the past climatic events, past mass extinctions. So there are the some basic dating techniques by using like the radiocarbon dating technique and uranium thorium dating techniques. Using these techniques, we can identify, we can track the, we can know the age of the mass extinctions. So here I am going to briefly discuss about the major sixth mass extinction in Earth history. तो हम यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करेंगे कि हमारे पास्ट में अर्थ के हिस्ट्री में कौन कौन से मेजर मास एक्सटिंक्शन हुए हैं जिसमें प्रजातियाँ कम्प्लीटली विलुप्त हो चुकी है। तो उसके बारे में फर्स्ट हमारा मेजर मास एक्सटिंक्शन आज से 440 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुआ था। उसे हम जानते हैं 440 मिलियन ईयर एगो ऑर्डोविशियन सिलूरियन, उसका जो नेम है, जियोलॉजिकल मार्कर है, उसे बोलते हैं ओर्डोविशियन सिलूरियन। उसके बाद हम इस पे डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे कि उसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, कौन कौन से डायवर्सिटी को वो इफेक्ट किया, क्या उसने टेरेस्ट्रियल, इट इफेक्ट द टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी और एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी और बोथ, व्हाट इज द काउज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मास एक्सटिंक्शन, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। फर्स्ट इज ऑर्डोविशियन सिलूरियन, नेक्स्ट इज इन डेवोनियन, दिस स्टार्टेड 360 मिलियन ईयर्स एगो इन डेवोनियन, एंड थर्ड वन इज द प्रीमियन ट्रायसिक, दिस स्टार्टेड 250 मिलियन ईयर्स एगो, एंड फोर्थ इज इन ट्रायसिक, दैट इज 200 मिलियन ईयर्स एगो, एंड नेक्स्ट वन इज द क्रिटेशियस टर्शियरी केटी अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो। नाउ वी आर इन द सिक्स्थ फेज ऑफ मास एक्सटिंक्शन, दिस इज द पीरियड ऑफ द होलोसीन, दिस इज ऑल्सो नोन द दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वार्टनरी पीरियड, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन। सो फर्स्ट हियर आई विल डिस्कस ऑन द ऑर्डोविशियन सिलूरियन, व्हाट हैपेंड दिस टाइम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्सटिंक्शन। फर्स्ट इज द कूलिंग ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट कूल हुआ। नेक्स्ट इज सी लेवल डिक्लाइन, सी का जो समुद्र का जो जल स्तर है वो 100 मीटर अराउंड 300 फीट से नीचे चला गया, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो लाइफ था उसे दिक्कत होना शुरू हुआ, क्लाइमेट का कूलिंग स्टार्ट हुआ। क्लाइमेट का कूलिंग स्टार्ट होने का मतलब है हमारा ग्लेशिएशन फेज स्टार्ट हुआ, ग्लेशिएशन फेज स्टार्ट हुआ तो जो हमारा ग्लेशियर एक्युमुलेट होना शुरू हुआ और सी लेवल जो है डिक्रीज करता चला गया। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा 26% जो है फैमिली जो है हमारा वो 26% फैमिली एंड 49% जेनरा जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया। इट मीन्स दैट टाइम लाइफ वाज कंसंट्रेटेड इन द सी एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म है, इट अफेक्ट द मैरीन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज द इन डेवोनियन विच स्टार्ट 365 मिलियन ईयर एगो, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, द ग्लोबल कूलिंग आफ्टर बोलाइड इम्पैक्ट may have been responsible because warm water taxa were most strongly affected. इसमें क्या हुआ, हमारा 22% marine families and 57% marine organism को ये affect किया। उसके बाद हम जानेंगे Permian Jurassic जो start हुआ था हमारा 250 million years ago, उसमें क्या हुआ कि ये हमारा 90% of the all species, ये एक सबसे बड़ा डिवास्टिंग था, 90% जो है हमारा स्पीसीज को ये खत्म कर दिया। इसका क्या रीजन था, इसका रीजन था वोल्केनिक ड्रिवन एक्सटिंक्शन, ये हमारा वोल्केनिक ड्रिवन था, लार्ज अमाउंट में ह्यूज अमाउंट में CO2 और SO2 का इंजेक्शन हुआ एटमॉस्फेयर में, और जब CO2 और SO2 का इंजेक्शन हुआ एटमॉस्फेयर में और आफ्टर डैट जो है हमारा जब रेनफॉल स्टार्ट होगा तो एसिड रेन के फॉर्म में होगा, तो एसिडिटी भी इस टाइम में हमारा ओशियंस में भरा और ये मैराइन ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली हार्म किया। नेक्स्ट हमारा है इन ट्रैफिक,
जो 200 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ था, मैसिव लावा फ्लो। इसमें हमारा मैसिव लावा फ्लड्स जो है हुआ था, और सिग्निफिकेंट ग्लोबल वार्मिंग, सिग्निफिकेंट ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल टेम्परेचर जो हमारा राइज किया, वो एक हमारा कारण रहा है इसका। और ऑल्दो साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट, ऑल द मास एक्सटिंक्शन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ऑल द मास एक्सटिंक्शन इज नॉट येट क्लियर, बट देर आर सम रीजन्स। सारे जितने भी एक्सटिंक्शन हुए हैं सबके बारे में साइंटिस्ट को अभी जानकारी नहीं है, उनके बारे में साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं। जैसे फॉसिल ट्रैक के रिकॉर्ड से हम बता रहे हैं कि कौन सा एक्सटिंक्शन कब हुआ, बट उसी टाइम में हमारा कोई प्रॉक्सी मिल रहा है तो हम बता रहे हैं कि इस टाइम में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है या टेम्परेचर राइज हुआ है। तो ये सब हम जो है आइसोटोपिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम बताते हैं कि उस टाइम में कितना हमारा टेम्परेचर राइज किया था, कितना हमारा प्रेसिपिटेशन रेनफॉल इंक्रीज हुआ था। इसके बेस पे हम कोरिलेट करते हैं कि उस टाइम में क्या इवेंट प्रोबेबल इवेंट हुआ था जिसकी वजह से हमारा मास एक्सटिंक्शन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्रिटेशियस टर्शियरी एक्सटिंक्शन, जिसे हम केटी के नाम से बोलते हैं, क्रिटेशियस टर्शियरी एक्सटिंक्शन। ये हमारा स्टार्ट हुआ था 65 मिलियन ईयर एगो, 65 मिलियन ईयर एगो, और दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सटिंक्शन इन विच द डायनासोर हैज डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ हिस्ट्री। यही एक ऐसा हमारा इवेंट था जिसमें डायनासोर जो है हमारा अर्थ हिस्ट्री से गायब हो चुका था। तो इसमें इसका एग्जैक्ट रीजन अभी पता नहीं है, बट देर आर सम प्रोबेबल रीजन्स। वोल्केनिक फ्लड्स इन इंडिया, बोला जाता है कि वोल्केनिक फ्लड्स हुआ था। हमारा डेक्कन जो ट्रेप्स बना है, डेक्कन प्लेचू का फॉर्मेशन इस टाइम में हुआ था। एस्ट्रॉयड में इम्पैक्ट, इस टाइम में बोला जाता है कि एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हुआ था गल्फ ऑफ मैक्सिको में, वो भी एक बड़ा रीजन रहा था। तो इन सब रीजन की वजह से हमारा मास एक्सटिंक्शन स्टार्ट हुआ था। तो हम यहाँ पे इसको और थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे कि कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन इवेंट, जहाँ ऑलरेडी मैंने थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है। तो सारे इवेंट के पीछे में क्लाइमेट चेंज हैज बीन इम्प्लिकेटेड इन ऑल द मास एक्सटिंक्शन इवेंट एज आइदर ए डायरेक्ट और कंट्रीब्यूटिंग कॉज। मीन्स हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे मास एक्सटिंक्शन में इन्वॉल्व रहा है। वेयर इट इज डायरेक्ट कॉज, रैपिड टेम्परेचर चेंज, सी लेवल राइज और फॉल आर ऑफ साइटेड एज अ ड्राइविंग एक्सटिंक्शन। वेयर क्लाइमेट इज चेंज इज द कंट्रीब्यूटिंग कॉज, दिस सेम फैक्टर ड्राइव द एक्सटिंक्शन बट आर सेट मोशन बाय फोर्स आउटसाइड द क्लाइमेट सिस्टम सच एज एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट और द वोल्केनिक इरप्शन। द कॉज ऑफ द रिमेनिंग थ्री एक्सटिंक्शन इवेंट इज मोर कंट्रोवर्सियल। एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट, ह्यूज वोल्केनिक इरप्शन एंड द क्लाइमेट चेंज लिंक टू मैसिव मिथेन रिलीज हैव ऑल बीन सजेस्टेड टू एक्सप्लेन वन और मोर ऑफ दिस मिडिल थ्री लाइक द इंडेमोनियन, परमियन एंड क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन। सो हमारे ये सब क्लाइमेट ड्रिवन भी हमारे रहे हैं, और सब में कहीं ना कहीं क्लाइमेट का एक बड़ा रोल रहा है, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। तो ये हमारे मास एक्सटिंक्शन। अब हम लोग जो है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन के फेज में हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोसेनिक एक्सटिंक्शन। इट मीन्स ह्यूमेन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन, जब हमारा एक्सटिंक्शन ह्यूमेन इंड्यूस्ड होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ह्यूमेन जो है इन्वॉल्व है। इस टाइम में हमारा ग्रीन हाउस गैसेज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और हमारा टेम्परेचर राइज करता है, जिसकी वजह से जो बैकग्राउंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी कि हमारे स्पीसीज का, हमारे जो प्रजाति है अर्थ पे, उसका जो एक्सटिंक्शन का नॉर्मल रेट है, उस रेट को बहुत ज़्यादा हम एक्सीड कर जा रहे हैं। तो ये हमारा इस फेज में क्या होता है, द सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन आल्सो नोन एज एंथ्रोपोसिन एक्सटिंक्शन एन ऑन गोइंग करेंट इवेंट वेयर लार्ज नंबर ऑफ लिविंग स्पीसीज आर थ्रेटेंड विद द एक्सटिंक्शन और आर गोइंग एक्सटिंक्स बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमेंस। वेन दीज एसिस्ट स्पीसीज आर प्लान इन टू ग्रुप द एस्टेटिक्स आर ट्रूली डिस्करेजिंग। अगर आप इसके एस्टेटिक्स को देखेंगे, इस डाटा को देखेंगे, प्लांट और एनिमल स्पीसीज जिस रेट से थ्रेटेंड हो रहा है, तो आपको शॉकिंग है कि किस रेट से हमारा स्पीसीज घट रहा है। जैसे 26% ऑफ मैमल्स, 41% ऑफ द एम्फीबियन, 31% ऑफ द कैटी, 63% ऑफ द साइकेट्स एंड 34% ऑफ द कॉनिफर, 33% ऑफ द कोरल्स, 13% ऑफ द बर्ड्स, 31% ऑफ शार्क्स, ये जो है हमारा थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्शन जो है विलुप्त होने के कगार पे है।
तो ये देख रहे हैं कि आप किस तरीके से ये हमारा रेट इंक्रीज करता जा रहा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है इस पे इस तरीके से आ सकता है, डिस्क्राइब द मेजर मास एक्सटेंशन इन द अर्थ हिस्ट्री। तो आप इस पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले 5 मास एक्सटेंशन के बारे में, फिर छठा के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके जियोलॉजिकल मार्कर जो है टाइम पीरियड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसका काउज क्या है, एक्सटिंक्शन का प्रोबेबल काउज क्या है, और कौन सा प्लांट और एनिमल स्पीसीज को ये इफेक्ट किया था, कुछ मेजर के बारे में यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन, लाइक द मेजर एक्सटिंक्शन, द ब्लो दैट किल्ड द डायनासोर्स, यू कैन राइट अबाउट इट, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। सो इन टुडे लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। सो वी विल मीट यू अगेन, सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।